फूफाजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब घर में जवान बच्चे मौजूद हैं, तो आपको जाने की क्या जरूरत है? मैं जाऊंगा बचाने। मैं भी अरमान भाईजान के साथ ही जाऊंगी। अब फूफाजान, आप सबका ख्याल रखिए, हम अप्पी और सुभान भाईजान को साथ ही लेकर आएंगे। तुम कैसे जाओगे अरमान? तुम्हारी खुद की तबीयत खराब है। हाँ अरमान बेटा, तेरी तो सांसें अटकी हुई हैं। कुछ देर पहले तक तू दो कदम नहीं चल पा रहा था। मैं तो सोच रही थी अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवा लूं तेरे लिए, फिर अचानक तू ऐसे तंदुरुस्त कैसे हो गया? सर दर्द तो हो रहा है नानी अम्मी, मगर सुभान मन्नत इबादत को ढूंढना भी तो जरूरी है ना। और वैसे भी आप जानती हैं, जब घर वालों पे बात आती है तो मैं अपनी भी परवाह नहीं करता। मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वाह वाह मेरे बच्चे वाह, नाज है मुझे तुझ पे। इसे कहते हैं बहादुरी, इसे कहते हैं औलाद का सीना। ये है मेरा पोता अरमान। अल्लाह तुझे ताकत दे मेरे बच्चे, तुझे हिम्मत दे मेरे बच्चे। जा बेटा जा, जा जाकर सुभान और अपनी बहनों को बहन इबादत और मन्नत को वापस लेकर आ बेटा। जा 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 अरमान जा। जी मेरे भाई की सेफ्टी पहले मेरा फर्ज है। अरमान भाई और निगार के साथ मैं जाऊंगा मेरे भाई को ढूंढने। पागल हो गए हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मम्मी प्लीज, सिचुएशन ऐसी होती तो आपकी बात मैं जरूर मान लेता, मगर आज नहीं। आज बात मेरे भाई की है और मैं उसको ढूंढने जरूर जाऊंगा। खबरदार, अगर इस घर की दहलीज से तुमने एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मेरी लाश निकलेगी यहाँ से। इनफ मम्मी। जब देखो इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हो। सूफी, मेरे भाई की जान खतरे में और आप मुझे रोक रही हैं। आज मैं अपने भाई को बचाने जरूर जाऊंगा। अम्मी आप मुझे रोक नहीं सकती। नहीं जाना है तुम्हें कहीं, तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। आज आप मुझे, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती सूफी, जबकि मेरा सुभान पहले से ही उस फरहान के कब्जे में है। जब ये पानी पूरा ऊपर तक भर जाएगा ना, इन बिजली के तारों के साथ टकराएगा और फिर पूरी बिजली इस पानी में फैल जाएगी। सुभान की रोशनी तो इसी पानी में होगी। जहन्नम का मजा दिलाऊंगा इसको जमीन पे मैं। ओ भाई, तेरी मौत ना तेरे सर पे मंडरा रही है। वैसे तो तू बहुत ही अच्छा इंसान है, पर अगर किसी के साथ बुरा किया है ना, उसके लिए माफी तलाफी कर ले भाई और कलमा पढ़ ले, क्योंकि तेरी मौत अब आने वाली है।